नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू प्रमंडल में होली के दौरान कई अलग अलग जगह घटी घटनाओं ने हमारे पारंपरिक त्यौहार पर गहरे दाग छोड़ दिए। बुराइयों को जलाकर अच्छाई को बचाना, प्रेम सौहार्द की भावना उत्पन्न करने वाली होली आज फुहड़ता, शराब पीने, गाली गलौज, झगड़ों के बीच में फंसकर कहीं रह गई है। पकवानों में प्रेम के मिश्रण की जगह नफरत की मिलावट ने ले ली। सामाजिक त्यौहार माना जाने वाला यह त्यौहार आज असामाजिक तत्वों की चपेट में आ गया है। होली में होलिका दहन ना होकर मर्यादा, संस्कार, नैतिकता का दहन हो रहा है। ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं जब लोग आपसी रंजिश इस त्यौहार में निकालने लगे हैं। आज की युवा पीढ़ी होली के पर्व को मस्ती और शराब का पर्व बनाने में लग चुकी। परंपरागत हमारे तरीके आ रहे थे वो बदल रहे हैं। भोजपुरी फुहड़ता वाले गानों के बोल ही अब होली की बोल रह गए हैं। शहरों से गांव की ओर इस पर्व में लोगों का आना अचानक सा बंद हो गया है, जो साफ दर्शाता है कि इस पर्व के मायने बदल चुके हैं। लोगों का सामाजिकता और एकजुटता का एहसास दिलाने वाला ये पर्व उदासी, अनैतिकता, असामाजिकता में बदल चुका है। राधा रानी और भगवान कृष्ण के लिए विख्यात माने जाने वाली वंशीधर नगरी में होली के मौके पर मामूली बात पर एक युवक को जान से मारने की कोशिश कर दी। वंशीधर नगर मंदिर के समीप रहने वाले जवाहर प्रसाद ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। आरोप है कि उनका बेटा नीरज कुमार को दो बाइक से आए 6 युवकों ने जान से मारने की कोशिश की। हमला करने वालों में अंकित कुमार, विशाल कुमार, विशाल का भाई समेत अमन सोनी, लवकुश के अलावे एक अन्य अज्ञात युवक ने होली के दौरान हुए मामूली विवाद पर धारदार हथियार से सिर पर वार किया और जान से मारने की कोशिश की। तेज रक्तस्राव होने की वजह से अचेत अवस्था में पड़े नीरज को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है। नीरज की 2 माह की बेटी भी है। परिवार में इस घटना के बाद भय का माहौल व्याप्त है। बताया जा रहा है कि वंशीधर नगर में होली के मौके पर बड़ी संख्या में युवक होली खेल रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर नीरज के दोस्त का आरोपियों के साथ विवाद हुआ था। मामूली बात पर युवकों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि नोक झोंक का बदला लेने के लिए किसी की जान लेने पर आमदा हो गए।